नमस्कार पशुपालक साथियों, एक और वीडियो लेके आ रहे हैं राज डेयरी फार्म से। आगे पीछे सामने जितना भी पशुधन आपको दिख रहा है, जितने भी इधर का शेड या पीछे का शेड दिख रहा है, सारी जगह जो है वो भैंसे भरी हुई है और बहुत बढ़िया जो है बिक्री का काम राज डेयरी फार्म से चल रहा है। आज की वीडियो में फिर देखेंगे भैंसे और पशुधन के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, रेट वगैरह पूछ लेंगे, वैसे दिखा देंगे और बात करेंगे सारा कुछ। जितने भी भाई जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मिंगनी खेड़ा इसार से ये वीडियो लेके आ रहे हैं, प्रमोद भाई से मिलवाता हूँ। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। तो कितना पशुधन खड़ा है जी आज? 30 भैंसे सुरेंद्र भाई। तो और सब बिकी हुई हैं? सब की सब बिकी हुई हैं। तो कहाँ जा रही हैं बिक के? ये अपने हरियाणा में ही जाएंगे, यमुनानगर के पास पोंटी गाँव है उधर। ठीक है, ये सरपंच साहब है भाई साहब गाँव के। सरपंच साहब राम राम। नमस्कार जी, कैसे हैं जी? लिया था आज से 10 दिन पहले इन्होंने। ठीक है। हाँ, और ठीक 10वें दिन अभी दोबारा 30 भैंस लेके जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। और बाकी इनसे पूछ लो। और सरपंच साहब बताइए नाम क्या है अपना और कौन? जावेद। जावेद भाई अपना गांव कौन सा? पोंटी। पोंटी गांव पड़ता है। ठीक है, तो हरियाणा की, हरियाणा में तो इतनी 10-10, 20-20 भैंसे हमें एक साथ ले जाने वाले नहीं देखे, क्योंकि 2-2, 3-3 ले जाते हैं। राज डेयरी फार्म को क्यों चुना, कैसा इनका व्यवहार रहा, सारा कुछ बताइए। इनका व्यवहार अच्छा लगा जी मेरे को जब चुना। अच्छा, और 3 दिन पहले 10 भैंस लेके गए थे ना? पहले भी 10 भैंस ले गए। 2-3 दिन जैसे 2-4 जगह और भी घूम फिर के, और सबसे बाद में मिले थे हमारे को। तो 10 भैंसे जो गई थी वो ठीक बढ़िया भैंस सही सेट होगी फार्म पे? सही सेट होगी। अच्छा, कितनी भैंस रखी है जी टोटल? 80 भैंस है। दूध बेचने का ही काम है? तो भाई साहब ये बताइए कि 80 भैंस बांध के दूध बेच रहे हैं, क्या प्रॉफिट आ रहा है आपको, और क्या कुछ अगर कोई भाई नया डेयरी फार्म करना चाहे तो करे के ना करे? नहीं, काम ठीक है जी, करे, अच्छा काम है, मेहनत का काम है जी, करे। ठीक है। हाँ जी। तो क्या रेट बेच रहे हो आप दूध? हम 70 रुपए बेच रहे हैं। 70 रुपए। बचत वगैरह आ जाती है उसमें? कुछ ठीक आ जाती है। इनसे पूछो, डेयरी में ये रहते हैं थोड़ी सी, इनसे पूछो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी भाई राम राम। तीनों भाई है सुरेंद्र, कैसे हैं जी? तो क्या चल रहा है जी, क्या बचत आ रही है बताइए, कोई नया भाई जुड़ना चाहे तो? 2-3 लाख रुपए महीने में। 80 भैंसों में 2-3 लाख रुपए बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर भाग रहे हैं जमीन बेच के, उसकी बजाय यहाँ धंधा कर ले तो ठीक है। ठीक है ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? नहीं बस ठीक है। ठीक है जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई का भी। भैंसे देखते हैं और शुरू करते हैं। एक नंबर पे इधर जोटी जो बंदी हुई है, प्रमोद भाई नज़दीक आ जाओ मेरे। और कौन से ब्यांत में है, कितना दूध है, इधर चलाना भाई भैंसों के बीच में। ये भाई दूसरे ब्यांत में है अभी। ठीक है। और 1.5 लाख रुपए की दी है। दूसरे ब्यांत में है, 1.5 लाख की दी है। 4 दिन की ब्याई है। ठीक है। लगभग 13-14 लीटर दूध से स्टार्टिंग है इसकी। ठीक है। और पक्का 20 किलो दूध निकालेगी आज से 15 दिन के बाद। 20 किलो दूध निकालेगी, 1.5 लाख रुपए की दी है। देखिए जी, बहुत ही, ये देख लो नीचे, 4 दिन का बच्चा है। बहुत ही बढ़िया वजनदार साफ सुथरी जोटी है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और साथ में बच्चा देखिए इधर बंधा हुआ है। 14 किलो दूध आज मौके पे तैयार है, 4 दिन के बच्चे पे। कटड़ी साथ में है, खुद भी कटड़ी जैसी, ये दूसरे ब्यांत की बढ़िया साफ सुथरी है देखिए। और इससे आगे जी एक और भैंस, ये प्रमोद भाई तीसरे ब्यांत की है सुरेंद्र भाई, तीसरे ब्यांत की। आगे लो, 15 किलो दूध तैयार है। 15 मौके पे दिन की ब्याई है, इसका भी बच्चा वो है। 5 दिन की ब्याई में 15 किलो, 15 किलो दूध तैयार है। ये सारी भैंसे आप यमुनानगर वाली देख रहे हैं? हाँ, यमुनानगर की 30 भैंस है, 30 की 30 यमुनानगर वालों की वीडियो बनवा रहे हैं आज। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए जी 15 किलो दूध मौके पे तैयार, 44,000 रुपए की दी है, 1:44 की, बहुत ही बढ़िया। और इससे आगे आगे जी एक और भैंस, ये भाई साहब ये भैंस मिल की ब्याई है। ठीक है, खीस से पूरी खाली निकली है। 16-17 इधर ले भाई, कल की ब्याई है और अभी खीस से पूरी खाली नहीं की है। ठीक है। 16-17 लीटर दूध निकालेगी। कितने की दी है भाई? 23,000 रुपए की दी है। 1,23,000 रुपए की जा रही है। देखिए जी यमुनानगर और हरियाणा की, हरियाणा में हमें एक एक दो दो भैंसे तो जाती हुई देखी है, 30-40 भैंस एक साथ जाती हुई नहीं देखी है, बहुत बढ़िया। इससे आगे देखिए एक और भैंस, ये भाई साहब ये भी तीसरे ब्यांत में है। इसमें अभी 12 लीटर दूध तैयार है, 4 दिन की ब्याई। 12 मौके पे तैयार है, 4 दिन की ब्याई। 1,22,000 रुपए की दी है। 1,22 की। ठीक है, ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया।
जबरदस्त भैंस है। और इससे आगे फिर एक और झोटी आ गई साफ सुथरी। ये भाई इसमें भी तीन चार दिन की ब्याई में 12-13 लीटर दूध तैयार है सुरेंद्र। तीन चार दूसरे ब्यात की है। अच्छा 12 लीटर 25,000 रुपए की दी है। 1:25 की। हाँ जी ये देखिए जी 1,25,000 रुपए की भैंस जा रही है यमुनानगर। बहुत ही बढ़िया झोटी साफ सुथरी। और इससे आगे फिर इधर आ गई और इसमें भी 13-14 लीटर दूध मौके पे तैयार है। 13-14 मौके पे। ये कितने की दी है? 1,23,000 रुपए की दी है। 1,23,000 रुपए की। बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी भैंसे। देखिए बहुत सारे भाई बोल देते हैं कि अच्छी भैंसे जैसा रेट जो है लेने वाला भाई भरेगा वैसा ही पशुधन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। और इससे आगे फिर एक और आ गई भैंस। ये भाई 4 दिन की ब्याई है, दूसरे ब्यात की है। दूसरे ब्यात की 4 दिन की ब्याई हुई। अभी लगभग 30 से ही खाली हुई मान के चलो। ठीक है। अभी 11-12 किलो दूध तैयार है। 1,16,000 रुपए की दी है। 1,16 की। ठीक है। इतनी भैंसे याद रह जाती है भाई? कौन सी की है भाई? सब भाइयों से पूछ लो, कॉपी में लिख रहे होंगे। ठीक है साहब, सही बता रहे हो ना? और ये झोटी भाई दूसरे ब्यात की है सुरेंद्र। अभी 14 किलो दूध तैयार है। अच्छा। 1,26,000 रुपए की दी है ये। 1,26 की 14 किलो मौके पे तैयार है। ठीक है ले आओ भाई बांधो। 1,26,000 रुपए की। ठीक है। और ये आगे वाली ये 1,14,000 रुपए की दी है भाई। 1,14 की। हाँ। ठीक है। इसमें दूध 14 किलो है अभी तैयार। 14 मौके पे तैयार है। हाँ। ठीक है। ये देखिए साफ सुथरी झोटी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी। 1,15,000 रुपए की दी है दूसरे ब्यात की। 15 किलो दूध तैयार है मौके पे। 1,15 की। हाँ। ठीक है। ये वाली ये भैंस दी है 1,75,000 रुपए की। 1,75,000। हाँ। ठीक है। तीसरे ब्यात की है, दूध है अभी 13-14 किलो मौके। 7,500 भी याद है, 500 भी याद है। ये झोटी भाई ये सुरेंद्र भाई तीन भैंस है इकट्ठी। ठीक है। ये है इसकी है और इसकी है। तीन भैंसे कितने की दी है तीनों? 1,32,000 के पुट्ठा से दी है। 1,32 के हिसाब से तीनों भैंस में 16-16, 17-17 किलो दूध दो टाइम नाप के लिए। ठीक है। फुल साइज की है। 1,32 की है। 32,000 रुपए की। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा इधर रहना पड़ेगा, सामने सूरज आ गया। ये देखो जी 1,32 की भैंस, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया वजनदार और बहुत ही बढ़िया। और एक और आ रही है इधर जो एक नंबर पे खड़ी थी, ये भी 1,32 की 16-17 किलो दूध दे रही है। दूसरे ब्यात की है वो, तीसरे ब्यात की है। बिल्कुल पतली चमड़ी की साफ सुथरी ये देखिए, और बहुत ही शानदार। और फिर इधर आ गई जी दूसरे ब्यात की 1,85,000 रुपए की दी है। 1,08,500 की ये वाली। हाँ हाँ। ठीक है। और ये वाली ये 1,09,000 रुपए की दी है। 1,09,000 की। ये वाली ये 1,15,000 रुपए की दी है। 1,15 की। ठीक है। 1,23,000 रुपए की दी है। 1,23,000 की। ठीक है। 1,26,000 रुपए की दी है। ठीक है जी। 1,26,000 की। देखिए जी झोटी काफी बढ़िया साफ सुथरी लंबी ऊंची। इधर आ जाओ। ये भाई ये 1,28,000 रुपए की दी है। 17 किलो दूध तैयार है अभी मौके पे। अच्छा 1,28 की। हाँ, ठीक है। 1,28 की उस साइड ले जिए दोनों। और इधर लो भाई, उधर सामने वो है सूरज। ये बताओ ये 1,29,000 रुपए की दी है सुरेंद्र। खीस से पूरी खाली नहीं है अभी। 1,29 की। हाँ, कल की ब्याई है शाम की। 1,29,000 रुपए की दी है। ठीक है। कितना दूध दे देगी भाई? 15 किलो प्लस रहेगी सुरेंद्र, 15 से ऊपर रहेगी। देखिए जी बहुत ही बढ़िया 18 किलो दूध देगी। दूसरे ब्यास की है। ठीक है। और ये कितने की दी है? 1,30,000 रुपए की दी है भाई। 1,30 की। देखिए जी फुल कद वाली है, इससे खाली है बिल्कुल अभी। ठीक है। बच्चा ये है देख लो आप, सुबह खाली की है। हाँ, सुबह बिल्कुल इससे, सुबह भी लेट खाली हुई है। ठीक है ठीक है। ये देखिए बच्चा और दोनों भैंसों के बच्चे देखिए सामने बिल्कुल ताजी बच्चे। सुबह की ब्याई हुई है। ठीक है ठीक है। तो ये सारी तो 30 भैंस नहीं हुई, अंदर है भाई सब भैंस। अच्छा और भी दिखानी है? ठीक है, खड़ी खड़ी दिखा दो, बड़ी हो जाएगी भाई वीडियो। 24 है। ठीक है ठीक है। इससे आगे देखिए जी और भी काफी सारी भैंसे साफ सुथरी हैं। ये भी ये भैंस रात की ब्याई हुई है। ठीक, पूरी खाली नहीं थी। 1,20,000 रुपए की दी है। तीसरे ब्यास की। 1,20 की। ठीक है। 15 लीटर प्लस रहेगी। कोई नहीं बस रहने दो सारी तो, एक एक तो। ये देखिए जी अंदर भी काफी भैंसे खड़ी हैं, बस रहने दो कोई नहीं। और ये भी जाएंगी यमुनानगर। तो जितने भी भाई 30 भैंस है टोटल। ठीक है 30 है जी। तो जितने भी भाई जुड़े हैं और आप भाई से संपर्क करना चाहते हैं, राज डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, सारी जगह भाइयों का पशुधन बहुत संख्या में जा रहा है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम।